जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम गुजरात के व्हाइट डेजर्ट यानी कि रन ऑफ कच्छ की बात करने जा रहे हैं। अगर आप रन उत्सव में शामिल होना चाहते हैं और कच्छ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको रन ऑफ कच्छ कैसे जाना है, कच्छ में हमको रुकने की क्या व्यवस्था है और साथ ही साथ हमको वहां भोजन की क्या व्यवस्था होगी, रन उत्सव कच्छ में शामिल होने के लिए हमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ हमको कौन से सीजन में जाना चाहिए और हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, रन ऑफ कच्छ में हमको और भी कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हमको विजिट करना है और इन सारी जगहों को विजिट करने के लिए हमारा साधन क्या होगा, और अंत में हम ये जानेंगे कि रन ऑफ कच्छ को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको कच्छ रन उत्सव घूमने में काफी सहूलियत होगी और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम आएगा। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको रन ऑफ कच्छ कैसे पहुंचना है। दोस्तों कच्छ पहुंचने के लिए आपके पास दो बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों आप अपने विभिन्न शहरों से जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वहां से आप डायरेक्ट ट्रेन देखिए भुज के लिए। अगर आपको भुज तक की ट्रेन मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप राजकोट या फिर अहमदाबाद से भी अपनी ट्रेन बदल के भुज तक आ सकते हैं, यानी कि भुज आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कच्छ से। भुज से जो कच्छ की दूरी है वो आपका लगभग 82 किलोमीटर पड़ जाता है, और ये 82 किलोमीटर तय करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप बस के माध्यम से भुज से कच्छ पहुंच सकते हैं। भुज से कच्छ पहुंचने के लिए आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे लगेंगे बस में, और बस वाला जो आपका एक व्यक्ति का कॉस्ट लेता है वो आपका 50 से 55 रुपए लेता है। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है वो है आपका स्कूटी या फिर आप बाइक हायर करके रेंट पे जा सकते हैं। दोस्तों भुज रेलवे स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे वहाँ पे ट्रैवल एजेंट मिलेंगे जहाँ से आप अपनी बाइक हायर करके या फिर स्कूटी हायर करके आप कच्छ पहुंच सकते हैं। यह 82 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको मैंने बताया 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। स्कूटी का जो दोस्तों कॉस्ट होता है वो आपका 600 रुपए होता है, वही अगर आप बाइक लेते हैं यानी कि बुलेट वुलेट लेते हैं तो आपका 800-1000 रुपए आपका ये चला जाता है। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने है, जो भी आपको कंफर्ट लगे उस हिसाब से आप अपने कच्छ पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे बड़े ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं। तो दोस्तों फ्लाइट से आने के लिए आपको भुज में ही एयरपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा फ्लाइट्स का डेस्टिनेशन नहीं होने की वजह से शायद आपको भुज तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले। तो यहाँ पे दूसरा जो एयरपोर्ट है वो है कंडला एयरपोर्ट, जिसको गांधीधाम एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कंडला एयरपोर्ट से आपकी जो कच्छ की दूरी है वो आपकी 120 किलोमीटर के लगभग पड़ जाती है, और ये 120 किलोमीटर तय करने के लिए या तो आप बस के माध्यम से आ सकते हैं या फिर आप चाहें तो टैक्सी बुक करके भी आ सकते हैं। दोस्तों कुछ टूरिस्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट से भी डायरेक्ट कच्छ आते हैं अगर उनको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये बातें थी कि आपको कच्छ पहुंचने के लिए कौन कौन सा साधन मिलेगा। अगली बात करते हैं दोस्तों कि हम कच्छ पहुंच चुके हैं और हमको कच्छ में अब कहां स्टे करना है और हमको स्टे करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे स्टे करने के लिए थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि जो कच्छ है वो केवल रन उत्सव पर्व में ही जाने में मजा आता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको कौन से समय पे जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कच्छ में स्टे करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका प्राइवेट होटल्स, जो कि आप रुक सकते हैं भुज में। भुज में आपको ढेर सारे प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे जो कि 500-600 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं होटल के कॉस्ट, और आप वहां स्टे कर सकते हैं अगर आप चीपेस्ट मोड अपनाते हैं तो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है जो कि आप कच्छ में अपना स्टे बना सकते हैं, वो है आपका रिसोर्ट या फिर होम स्टे। दोस्तों होम स्टे यानी कि कुछ लोगों का जो घर होता है वो आपको होम स्टे भी देते हैं, और वो एक आपसे नॉमिनल चार्ज लेते हैं, लेकिन वो होम स्टे का एक अलग ही अनुभव होता है, क्योंकि वहां के आपको ट्रेडिशनल चीजें देखने को मिलती है, कैसे गुजरातियों का वहां रहन सहन उनका लाइफ स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। तो उसका जो कॉस्ट होता है वो होता है 2000 से 2500 रुपए, और वो आपको एक होम स्टे दे देते हैं। ये होम स्टे एक नॉर्मल होम स्टे नहीं है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे होम स्टे दिया जाएगा, और आप यहाँ भी अपनी जितने दिन की भी यात्रा है वहाँ आप स्टे कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ वो है आपका गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे टेंट सिटी। दोस्तों टेंट सिटी यानी कि सबसे वहाँ पे महंगा ऑप्शन है, और इस टेंट सिटी में अगर आप लेते हैं तो आपको 5000 रुपए स्टार्टिंग पड़ता है, और इसका प्राइस आप अपने बजट अनुसार बढ़ा सकते हैं, 10000-15000 तक भी आप टेंट सिटी में आप अपना स्टे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके जो 5000-10000 रुपए जो रेट है वो आपके दो लोगों के लिए, यानी कि अगर आप कपल्स हैं तो दो लोगों के लिए ये रेट बता रहा हूं। इसमें आपके फूड भी शामिल रहते हैं और साथ ही साथ आपका पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट भी इंक्लूड रहता है। कुल मिलाकर जितने दिन का भी आप ट्रिप बनाते हैं तो वहां पे आपको फूड भी ऑप्शन रहेगा, और साथ ही साथ आप पिकअप और ड्रॉप भी इसमें उनके तरफ से दिया जाता है इसी पैकेज में। तो दोस्तों आप चाहे तो टेंट सिटी में रुक सकते हैं। यहाँ पे एसी और नॉन एसी दोनों ही प्रकार के टेंट सिटी में आपको रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं इस डेजर्ट हाउस में तो यहाँ रुक सकते हैं। चलिए
चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी के साथ ही साथ कि जो टेंट सिटी में नहीं रुकना चाहता है तो उसको फूड की क्या ऑप्शन होगी और वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था उनको मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बताया होम स्टे अगर आप करना चाहते हैं वहाँ पे जो गांव है तो गांव में आप जिसके यहाँ भी रुके हैं तो वहाँ पे आपको फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ पे रेस्टोरेंट भोजनालय है जो कि आपको गुजराती थाली भी मिलेगी, साथ ही साथ अगर आप कुछ पर्सनल खाने के लिए ऑर्डर देके बनवाना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। 100 से 150 रुपए में आपको आराम से वहाँ एक टाइम का भोजन एक व्यक्ति का हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं हम व्हाइट डेजर्ट में प्रवेश करने से पहले कि हमको कच्छ आना कब चाहिए और हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों कच्छ आने के लिए बेसिकली यहाँ पे जो समय होता है वो नवंबर से लेके फरवरी तक का होता है, क्योंकि ये नवंबर से फरवरी के बीच में गुजरात सरकार द्वारा लगाया जाता है रण उत्सव। दोस्तों ये रण उत्सव व्हाइट डेजर्ट पे यानी कि सफेद रेगिस्तान पे ये लगाया जाता है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराए जाते हैं, गुजराती डांस, वहाँ के फोक डांस और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, ये सारी चीजें वहाँ आयोजन की जाती है। साथ ही साथ वहाँ शॉपिंग के भी स्टॉल लगाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, ये सब चीज आप खरीद सकते हैं। तो ये नवंबर से लेकर फरवरी तक का एक रन उत्सव मनाया जाता है जो कि गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो नवंबर से फरवरी के बीच में आप रन उत्सव जा सकते हैं और यहाँ पे पूर्णिमा के दिन जो यहाँ पे व्हाइट रेगिस्तान पे अगर आप जाते हैं तो आपको एक काफी शानदार अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन आप जानते हैं कि फुल मून वहाँ पे आते हैं और जब सफेद रेती पर उनकी किरणें पड़ती हैं तो कुछ अनोखा दृश्य यहाँ पे देखने को हमको मिलता है। तो दोस्तों नवंबर से फरवरी के बीच आप जा सकते हैं। बात करते हैं कि आपको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। तो दोस्तों आपको 2 दिन के लिए स्टे बनाना चाहिए अगर आप रण उत्सव आते हैं तो। वही अगर आप भुज भी घूमना चाहते हैं, हो सकता है आपका आने वाले समय पे प्लान ना बने, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 3 दिन का ट्रिप बनाइए, क्योंकि 1 दिन आपको इंक्लूड करना पड़ेगा भुज के लिए। दोस्तों भुज में भी कुछ दर्शनीय स्थल हैं तो वहां भी आप घूमिए, और साथ ही साथ आपको मांडवी बीच में भी जाना है, वहां भी आप घूमेंगे तो कम से कम 3 दिन का ट्रिप आप जरूर बनाइएगा। चलिए दोस्तों ये सारी बातों को तो मैं अभी विस्तार से बताऊंगा ही, लेकिन पहले ये बात करते हैं कि आपको व्हाइट डेजर्ट जाने के लिए यानी कि जहां भी आप रुके हैं टेंट सिटी के आसपास या फिर कच्छ में जहां भी होम स्टे लिए हैं वहां से आपको व्हाइट डेजर्ट जाने के लिए आपको निकालना पड़ेगा परमिट। और ये परमिट लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है ऑनलाइन, जो कि आपका ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके आप अपनी ऑनलाइन परमिट निकाल सकते हैं। 1 व्यक्ति का 100 रुपए कॉस्ट होता है। वही दूसरे विकल्प में अगर मैं बात करूं तो वो है आपका ऑफलाइन विकल्प। तो दोस्तों आप जब कच्छ से व्हाइट डेजर्ट की तरफ जाएंगे तो वहां आपको एक गांव पड़ेगा जिसका नाम है भिरंडियारा, और भिरंडियारा चेक पोस्ट में ही आपको वहां पे अपना परमिट निकलवाना पड़ेगा। आपके पास कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड होनी चाहिए। 100 रुपए एक परमिट का आपका लिया जाता है 1 व्यक्ति का। तो यहां से आपको व्हाइट रन परमिट के नाम से एक परमिट दिया जाएगा और ये परमिट दिखाकर आप व्हाइट डेजर्ट में प्रवेश कर सकते हैं। वही अगर आपके साथ कोई बच्चे हैं जिनका उम्र 5 साल से 12 साल का है तो उनका हाफ टिकट लगेगा, यानी कि 50 रुपए एक बच्चे का लगेगा। तो दोस्तों आप व्हाइट डेजर्ट में जाइए, वहां पे आप सनसेट और सनराइज का भी आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनसेट के समय पे काफी ज्यादा अच्छा दृश्य हो जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप नाइट में रुकते हैं तो भी आपको एक शानदार दृश्य देखने को मिलेगा, और खास तौर से अगर आप पूर्णिमा के दिन आए हुए हैं तो दोस्तों व्हाइट डेजर्ट में आप रहिए, यहाँ पे फोटोशूट कराइए और यहाँ के व्हाइट डेजर्ट, यहाँ की वादियों को आप भरपूर एक्सप्लोर कीजिए और वापस से आ जाइए अपने टेंट सिटी में। दोस्तों टेंट सिटी में यहाँ पे होता है नाइट शो, जो कि इसी रन उत्सव का एक हिस्सा है। दोस्तों नाइट शो में आपको यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, ट्रेडिशनल डांस, लोकगीत का आयोजन, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप नाइट शो में जरूर सम्मिलित होइएगा, जो कि आपको एक बेहद नई नई चीजें गुजरातियों की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये बातें थी कि डे 1 में आप ये सारी चीजें घूम लेंगे। अगली बात करते हैं यानी कि डे नंबर 2 में आपको कहां जाना है। तो दोस्तों डे नंबर 2 में कच्छ से 40 किलोमीटर दूरी पे है एक काला डूंगर। दोस्तों काला डूंगर यानी कि यहां पे गुजरात का सबसे ऊंची पहाड़ी कहा जाता है, तो आप काला डूंगर में भी जाइए, जो कि रन ऑफ कच्छ का एक शानदार दृश्य देखने को मिलेगा इस पहाड़ी से। तो यहां पे आप जरूर जाइए। और इसी रास्ते में दोस्तों आपका एक पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड एरिया। दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड एरिया यानी कि अगर आप यहां पे कार में बैठे हुए हैं और अगर आप ब्रेक अप्लाई नहीं किए हैं और आपका गियर में नहीं है तो गाड़ी ऑटोमेटिक पीछे की तरफ मोशन करना शुरू कर देती है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एरिया इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आप कुछ समय रुककर ये अद्भुत नजारा देख सकते हैं, काफी अच्छा आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों कच्छ में आप अगर चाहते हैं पैरा मोटरिंग करना या फिर कैमल राइडिंग करना तो ये भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। अलग अलग कॉस्ट होते हैं, तो आप कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं और अगर आप पैरा मोटरिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ के रेगिस्तान पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 दिन का प्लान घूमने के बाद आपको अब भुज अगर घूमना है तो आप भुज भी घूम सकते हैं। यहाँ भी आपको कुछ दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है आपका कच्छ म्यूजियम, तो आप कच्छ म्यूजियम में भी जा सकते हैं। वंदे मातरम मेमोरियल, यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। प्राग महल, यहाँ भी आप जा सकते हैं, जो कि भुज में ही स्थित है। छतरड़ी, यहाँ भी आप जा सकते हैं। और अंतिम में आपका भुज में एक पड़ता है जिसका नाम है आईना महल। दोस्तों यहाँ भी आप विजिट करके कुछ समय यहाँ भी व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भुज में आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके बाद आप यहाँ से भुज से 50 किलोमीटर दूर जिसका नाम है मांडवी बीच, जो कि
गुजरात का एक प्रसिद्ध बीच कहलाता है। दोस्तों मांडवी बीच में भी सनराइज का एक बेहद शानदार नजारा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बीच में आप आनंद उठा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, और यहाँ पे मांडवी बीच के पास ही दो तीन और भी दर्शनीय स्थल है, वहां भी आप चले जाइए, जिसमें से पहला आता है स्वामी नारायण मंदिर, मांडवी फोर्ट जिसको मांडवी किला भी कहा जाता है, तो इस किले में भी आप जाके कुछ समय व्यतीत कीजिए। और एक आपका यहाँ पड़ता है विजय विलास पैलेस, तो इस पैलेस पे भी जाके आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 दिन का आइटनरी था, जो कि आप भुज घूमेंगे, कच्छ घूमेंगे और वाइट डेजर्ट में घूमेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे रन उत्सव के जो भी वहाँ पे ट्रेडिशनल डांसेस, फोक डांसेस और कल्चर एक्टिविटीज होती है उसमें भी शामिल हो सकते हैं। और इन सारी जगहों को घूमने के लिए दोस्तों आपका दो ऑप्शन मैंने बताया, एक तो ये कि आप बस के माध्यम से घूम सकते हैं जहां भी आपको जाना है। मांडवी बीच के लिए भी दोस्तों आपको भुज से बस मिल जाती है, जो कि आपका 40 रुपए लेती है और आपको भुज से मांडवी बीच छोड़ देगी। और दूसरा ऑप्शन तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्कूटी या फिर बाइक हायर किए हुए हैं तो इससे भी इन सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि आपको रन उत्सव यानी कि रन ऑफ कच्छ को घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप 3 दिन का ट्रिप बनाते हैं और अगर आप टेंट सिटी में रुकते हैं तो एक व्यक्ति का जो खर्चा आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आपका 9,000 से 10,000 रुपए लग जाएगा। दोस्तों इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके के आपके ट्रेन के टिकट, फ्लाइट के टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल आपके 3 दिन के ट्रिप में होने वाले खर्चे यानी कि फूड के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे और जो भी आपके एकोमोडेशन के खर्चे हैं, इन खर्चे को अगर जोड़ा जाए तो आपका 9,000 से 10,000 रुपए एक व्यक्ति का लग जाएगा। तो दोस्तों ये था रन ऑफ कच्छ का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपका प्रश्न है वो प्रकट कीजिए, डेफिनेटली आपको वहां पे मेरे द्वारा रिस्पांस दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, विश सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।